नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। सतना जिले में अगस्त माह में नाबालिगों के साथ बलात्कार के 3 संगीन मामले सामने आए हैं। मैहर में 11 साल की मासूम के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, तो वहीं शहर में एक 5 वर्षीय मासूम हवस का शिकार हुई है। अब 13 साल की नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। रामनगर थाना क्षेत्र में रक्षाबंधन पर एक नाबालिग दुष्कर्म का शिकार हो गई है। उसके रिश्ते के जीजा और उसके साथी ने ही बीच रास्ते में उसे दबोच लिया और गैंग रेप की कोशिश की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक रामनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को रक्षाबंधन के रोज अपने भाई की कलाई में राखी सजाने की तैयारी में लगी 13 वर्षीय नाबालिग दरिंदगी का शिकार हो गई। उसके साथ रिश्ते के जीजा संजीव कोल ने ही घिनौनी हरकत की। इस काम से उसका साथ स्वामी कोल ने भी दिया। बताया जाता है कि बुधवार को पीड़िता अपनी एक सहेली के साथ राखी और मिठाई लेने बाजार गई थी। लौटते वक्त एक सुनसान जगह पर संजीव कोल पिता राम स्वरूप उम्र 32 वर्ष, स्वामी कोल पिता भूरा कोल उम्र 22 वर्ष ने घेर लिया। आरोपियों ने दोनों लड़कियों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और पकड़कर ले जाने लगे। इस दौरान मौका पाकर पीड़िता की सहेली वहां से भाग निकली, जबकि पीड़िता को पकड़कर उसका जीजा अपने साथी स्वामी के घर ले गया, जहां संजीव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यही घिनौनी हरकत स्वामी भी करने वाला था कि इसी बीच उसकी बहन घर पहुंच गई। आरोपी पीड़िता को छोड़कर अलग हुए तो वह वहां से भाग गई। उधर पीड़िता की सहेली ने घर पहुंचकर उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी, तो परिजन उसकी तलाश में निकल पड़े। पीड़िता उन्हें रास्ते में ही मिल गई। घटना की शिकायत रामनगर थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 342, 363, 354, 366, 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला? रामनगर थाना क्षेत्र में कल रात की घटना प्रकाश में आई थी। इवेंट था, उस इवेंट पर से घटना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो पता चला कि एक अपराध सुबह जो है उसके साथ घटना घटित हुई है। तत्काल मौके पर जो है उसको लाया गया और FIR दर्ज करके और आरोपियों को जो है कब्जे में लिया गया और उनकी संपूर्ण कार्रवाई करके उन्हें न्यायालय। कितने आरोपी हैं सर? इस प्रकरण में 2 आरोपी हैं और दोनों ही गिरफ्तार हो गए।